सीडीएस जनरल विपिन रावत के मौत की पुष्टि हो गई है। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज चल रहा है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे विपिन रावत के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने निधन पर दुख व्यक्त किया है। आपको बताते चले, सीडीएस जनरल स्वर्गीय विपिन रावत पिछले वर्ष 3 दिसंबर 2020 को सायंकाल गोरखनाथ मंदिर आए थे। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन करने के पश्चात संपूर्ण मंदिर का दर्शन स्वयं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कराया था। सीडीएस जनरल स्वर्गीय विपिन रावत महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा 4 दिसंबर 2020 को आयोजित 28वें संस्थापक समारोह में शोभा यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। प्रस्तुत है गोरखपुर न्यूज की गत वर्ष 3 और 4 दिसंबर को सीडीएस जनरल स्वर्गीय विपिन रावत के गोरखपुर प्रवास के दौरान की विशेष प्रस्तुति। अभी मैं पिछले सप्ताह गया था, मैं 15-10 दिन पहले, तो मैं वही देखने के लिए गया था। तो इनकी गुफा मुझे वहाँ, इनकी गुफा के बारे में वहाँ के सरकार से अगली बार जब मैं आऊँगा तो गुफा का पुनरुद्धार होना चाहिए। तो ये योगी सुंदरनाथ जी का है, ये भी वहीं से जुड़ी है। इस सत्यनाथ जी की परंपरा भी आपके वहीं से उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में भी देवलगढ़ की परंपरा में सत्यनाथ जी, अजय पाल नाथ जी, ये सब उसी परंपरा से आते हैं। उत्तराखंड में जो जागर प्रथा है, ये सब गोरखनाथ जी की परंपरा से जुड़ी हुई है। ये जो जागरण, यहाँ नीचे हम लोग जागरण उसको बोल देते हैं, वहां जागर प्रथा जो है, बाकी भारत की संत परंपरा। मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है, भारतीय गणतंत्र के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सैल्यूट। आज का यह नवनिर्मित मंच और उस मंच पर विराजमान के मूल राष्ट्र की ऊर्जा, राष्ट्र की प्रेरणा, राष्ट्र की कमी न भरने वाले असम वीर विक्रम महाराणा प्रताप की प्रतिमा,
पूर्व सांसद गौर सर उधर एक मिनट सर एक मिनट महाराज और रामचंद्र अवैध गांधी महाराज लोकार्पण और हम बच्चे अपने स्थान पर सांझे शालिंदा से बैठे पूरी शालिंदा से बैठे महाराज प्रताप के आदरपूर्ण प्रतिमा का लोकार्पण और मानना प्रसाद होते महाराष्ट्र चर्चा भी होती संत खड़ी घंटा का निनाद न सुनाई देता यज्ञ धूम एक ऐसे महाराज प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण अनावरण सबके बीच संपन्न हुआ हम सब भाग्यशाली हैं इस अवसर के इस साक्षी बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माँ संत सरस्वती की वंदना और आराधना महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स की छात्राओं द्वारा मातृभूमि की रक्षा में देश की सीमाओं और देश के बाहर जाकर के अफ्रीका के कांगो तक देश की सीमाओं के बाहर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले उसका नेतृत्व करने वाले जनरल रावत और देश के अंदर उसी समर्पण भाव से अपनी तरुण ऊर्जा का प्रयोग करते हुए पूज्य महाराष्ट्र गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा अपने संत द्वय का अभिनंदन ग्रंथ जिसमें संपूर्ण इतिहास परम पूज्य महाराष्ट्र के कर कमलोषा नाट्य कार्ड भारतीय गणतंत्र के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत की ओर से स्मृति चिन्ह हम सब के मार्गदर्शक हम सब के प्रेरणा स्रोत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूरे शिक्षा परिषद की ओर से इस मंच की ओर से इस सदन की ओर से युवा पीढ़ी की ओर से गोरखपुर महानगर की ओर से और पूर्वांचल की ओर से आपका सादर अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपको सादर आहूत करता हूं आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन के लिए सैनिकोचित उद्बोधन के लिए उत्साहवर्धन के लिए जनरल रावत साहब आज माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर पधारे विशेष अतिथिगण महाराणा प्रताप शिक्षा प्रतिशत से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं उनके प्राचार्य पुलिसकर्मी अन्य सुरक्षा संस्थाएं और आज यहां पर उपस्थित सभी मीडियाकर्मी आज इस समारोह में शामिल होकर आपने जो मुझे ये अवसर प्राप्त किया है दिया है इसका मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज रंग बिरंगे लिबास में उपस्थित जो बच्चे हमारे सामने हैं आपके समक्ष आकर मुझे भी अपनी स्कूल में बिताए जिंदगी की याद आने लगी है। हमारे समय में स्कूली प्रशिक्षण जो होता था वो आजकल की जो प्रशिक्षण दी जा रही है उससे काफ़ी हद तक अलग था। हमारे पास उन दिनों आज से तकरीबन 45 वर्ष पूर्व टेक्नोलॉजी के संसाधन नहीं थे। हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे इंटरनेट नहीं था लेकिन मुझे
इस कार्यक्रम में शामिल होकर ये बड़े गर्व के साथ कहने का अवसर मिला है कि आप लोग जो हैं भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से आपका शिक्षण प्रणाली किया जा रहा है, इसके लिए आप सभी बच्चों को बहुत ही भाग्यशाली माना जाना चाहिए। पिछले कई सौ सालों में क्योंकि हमारे देश के ऊपर विदेशियों का कब्जा रहा, इसलिए हमारी जो असली संस्कृति है उसकी विचारधारा में बदलाव आया है। लेकिन इस वक्त समय आ गया है कि हम अपनी पहचान को दोबारा लौटाएं, अपनी सांस्कृतिक पर जोर दें और अपनी शिक्षक संस्थाओं को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ कर रखें। हम लोग जब स्कूल में थे, हम लोग आपसी मेलजोल के साथ अपने अध्यापकों द्वारा दी गई शिक्षा प्रणाली को हासिल करते थे, उसी के जरिए हमारी आगे की कार्रवाई होती थी। और अगर हम आज इस सफल मंच पर पहुंचे हैं तो इसका श्रेय हमारे शिक्षकों को जाता है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ समय पहले मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि पश्चिमी देश में एक शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को जब सबक दे रहे थे तो विद्यार्थी आपस में बातचीत कर रहे थे और उनका ध्यान जो था वो उनके अध्यापक की ओर नहीं था। कक्षा में तकरीबन 30 बच्चे थे जिनमें से 29 बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे और शिक्षक की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जब शिक्षक ने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि जो मैं आपको पाठ्य पढ़ा रहा हूं आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों का उत्तर था कि आप जो कुछ हमें पढ़ा रहे हैं ये तो हमें गूगल बाबा भी पढ़ा देते हैं, तो हमें यहाँ की कोई जरूरत नहीं है, आपकी आपके द्वारा शिक्षा जो आप दे रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर शिक्षक ने बोला फिर आप स्कूल क्यों आते हैं? उन्होंने कहा स्कूल आते हैं क्योंकि डिग्री हासिल करने के लिए हमें स्कूल आना पड़ता है, गूगल बाबा डिग्री नहीं दे सकते। लेकिन उसमें एक बच्चा था जिसने कहा नहीं, मैं आपसे ही सीखना चाहता हूं क्योंकि आपकी जो सिखलाई है उसमें समझ है। तो शिक्षक ने कहा ठीक है, अगर आप गूगल बाबा से ही पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको आज एक होमवर्क दूंगा, एक चुनौती दूंगा जिसका हल निकालकर आप कल आगे मेरे समक्ष आइए। और उन्होंने बोला कि एक जो टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री है जो कॉलगेट का टूथपेस्ट बनाती है उसकी जो मैनेजमेंट है, उसका जो चलाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने देखा कि कॉलगेट टूथपेस्ट की बिक्री नहीं बढ़ रही है, उसकी बिक्री जो है एक लेवल पे आकर पहुंच गई है और उसके उसको जो मैनेजमेंट को जो टास्क दिया गया है कि कॉलगेट की बिक्री बढ़ानी है ये नहीं हो रही है, तो आप कल गूगल बाबा से पता करिए कि इसकी बिक्री कैसे बढ़ाई जाए। तो जब अगले दिन सब बच्चे वापस लौटे तो वो 29 बच्चे जिन्होंने गूगल पे पूरा सर्च किया था उनका जवाब था कि सर ये तो गूगल बाबा नहीं बता सके कि कॉलगेट की बिक्री कैसे बताई जाए। लेकिन जो वो एक लड़का था जो अपने अध्यापक की सुनाई करता था, उसके द्वारा शिक्षित होता था, उसने बोला सर मेरे को जवाब मिल गया। उसने बोला आप बताइए जवाब क्या है और आपको जवाब कैसे मिला? उसने बोला सर आप जब भी क्लास में आते थे वो बोलते थे कि हम जो आपको पढ़ाते हैं इस पढ़ाई में हम आपको विद्या देते हैं, हम आपको नॉलेज देते हैं और आपको एजुकेट करते हैं, लेकिन नॉलेज और एजुकेशन के बीच में जो अंतर है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो उसी के जरिए मैंने जो सीखा है मैंने उसके ऊपर विचार किया कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स एक सलूशन निकालना होगा। तो मैं रात भर एक कॉलगेट की टूथपेस्ट ट्यूब को लेकर उसको देखता रहा, उस पर विचार करता रहा और मुझे फिर ये सुझाव आया
कि जो कॉलगेट की टूथपेस्ट का जो ट्यूब है उसका जो मुख होता है अगर उसको थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए तो आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। तो अध्यापक ने कहा ये कैसे होगा, उसने बोला सर जब आदमी टूथपेस्ट को लेकर अपने ब्रश पर लगाएगा तो हर बार जब वो टूथपेस्ट अपने ब्रश पर लगाएगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टूथपेस्ट निकलेगा क्योंकि उसका मुंह की जो नली है आपने बड़ी खोल दी है। तो जो टूथपेस्ट एक आदमी आम आदमी 2 महीने तक चलाता है वो 45 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो इस कारण से आपकी जो टूथपेस्ट की जो बिक्री है वो बढ़ने लगी। तो ये जो उसको सुझाव आया वो अध्यापक द्वारा दी गई शिक्षा के कारण आया, न कि गूगल बाबा द्वारा दी गई शिक्षा के। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपका जो आपके जो प्राचार्य हैं आपके जो अध्यापक हैं इनका आपके जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। विद्यार्थियों मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश भारत नए भारत के रूप में उभर कर सामने आने वाला है। आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए हमारी शिक्षा प्रणाली को देखते हुए हमारी सामाजिक उन्नति को देखते हुए शहरीकरण और जीवन में तकनीक के इस्तेमाल से जिस तरह से हमारा चाल चलन हो रहा है हमारे देश का भविष्य एक उज्ज्वल भविष्य के रूप में उभर कर आने वाला है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लोग आप जो विद्यार्थी आज हमारे सामने बैठे हैं आप हमारे देश का फ्यूचर है। हमारा देश किस तरह से उन्नति करेगा ये आपकी कार्यशाली पर निर्भर है। आप लोग जितने जोश और लगन के साथ मेहनत करेंगे ईमानदारी और वफादारी के साथ अपना कर्तव्य पालन करेंगे उसी प्रकार से उसी प्रणाली से हमारा देश उन्नति करेगा। इसलिए हमारे देश का भविष्य आज आप सभी के हाथों में है जो आज हमारे सामने बैठे हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी सोच है सोच को ऊंचा रखिए। अगर आप तारों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तभी आप चांद पर पहुंच पाएंगे, लेकिन ये सब करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत के बगैर आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। और जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आपकी रोज की दिनचर्या में आपको किसी भी मुश्किल हालात का सामना नहीं करना पड़ता, अगर आप देख रहे हैं कि आप रोज की दिनचर्या में आपके आगे कोई मुसीबत नहीं पड़ रही है तो आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि आप जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके आगे मुश्किल हालात पेश आएंगे और आपको इन सब से उभर कर आगे बढ़ना होगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी ताकत का पहचान करें। हम सभी में कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण होते हैं। आपने अपने गुणों को आगे बढ़ाना है और अपने अवगुणों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। लेकिन जब जब आप ऐसी कोशिश करेंगे जैसे मैंने कहा आपको मेहनत और लगन के साथ काम करना है इस प्रणाली में आपको मुश्किल पेश आएगी, आपको कई बार असफलता भी मिलेगी। लेकिन असफलता जो है असफलता को आपको कभी हताश नहीं करना चाहिए, आपको कभी असफलता से हताश नहीं होना। इस पर मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। तुम कहां खामियां रह गई
इस पर विचार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। कहां खामियां रह गई, इस पर विचार करो तुम। मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़े चलो तुम, और हर नए शिखर पर परचम लहराए चलो तुम। हर नए शिखर पर परचम लहराए चलो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको असफलता का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये असफलता जो है बनिस्पत की आपको हताश करे, इसको आपको नया हौसला देकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी ही होगी। आज जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, आपने मुझे आज आपके समक्ष आकर अपने विचार प्रकट करने का जो मौका दिया है, संस्थापक सप्ताह समारोह चल रहा है, इसमें शामिल होने की मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं अपने को गौरवान्वित भी समझता हूँ, और आपको ये कहना चाहूँगा कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा था, कर्मणये वदिकस्ते न फलेषु कदाचिनि, यानी कि निश्चित ही आपके परिश्रम के परिणाम स्वरूप फलों की बरसात आप पर होती है और होती रहेगी। इसी के साथ एक बार फिर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक, इससे जुड़े हुए सभी महामहिम जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, और परिषद द्वारा चलाई गई संस्थाओं के विद्यार्थी, आप सभी को मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपके कुशल भविष्य की हम प्रार्थना करते हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेहनत और लगन के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और जैसे कि मैंने कहा, आपकी सफलता पर भारत देश की सफलता निर्भर है, इसीलिए आप जो भी कार्रवाई करते हैं उसे सच्चे दिल, ईमानदारी, वफादारी से करिए, और हम चाहेंगे कि भारतवर्ष आने वाले वर्षों में देश में एक उन्नतिशील देश बने, और पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति का विचार की विचारधारा हम दुनिया में फैला सकें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद।